नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ भारती बघेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के उपचुनाव में मिले शानदार जीत के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस जीत का श्रेय पार्टी के मुखिया केजरीवाल को समर्पित किया है। साथ ही सीएम ने उपचुनावों में शानदार जीत के लिए पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा है कि केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी पूरे देश में दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रही है। हम पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात बिना भेदभाव के और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। उपचुनावों के दौरान पंजाबियों से किए गए हर वादे को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जिसको लेकर आम आदमी आयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि पंजाब के लोगों ने उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 में से 3 सीट देकर फिर से आम आदमी पार्टी की विचारधारा और हमारी सरकार के काम पर विश्वास जताया है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और सबको बहुत बहुत बधाई। होशियारपुर के चाबेवाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की गिनती हुई, जिसमें होशियारपुर से सांसद डॉक्टर राजकुमार के बेटे ईशाक कुमार ने 28,582 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार एडवोकेट रंजीत कुमार को हराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में उन पर भरोसा किया है और वो इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। इसके साथ ही साथ चब्बेवाल हलके की जनता के साथ मिलकर उन्हें पूरा भी किया जाएगा, ऐसा वादा उनके द्वारा किया गया है। तो उपचुनाव में वोटों की गिनती जो है वो पूरी हो गई है। होशियारपुर सांसद के बेटे की जीत इसमें हासिल हुई है। आपको बता दें कि 28,582 वोटों से जीत हासिल की है। तो एक बड़ी खबर जो है वो होशियारपुर के सांसद के लिए, क्योंकि उनके बेटे ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि होशियारपुर से ये खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर 28,582 वोटों से जीत हासिल की है। और आपको इसके साथ ही बता दें कि इससे पहले भी जीत के दावे जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से दम भरे जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जीत हासिल हुई है वो एक बड़ा पल है उनके लिए। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो दावे और वादे जनता से किए गए हैं, उन दावों और वादों पर काम करने की बात भी यहां पर लगातार की जा रही है। तो एक खबर आपको बता रहे, जहां पर 28,582 वोटों से जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि उपचुनावों में जो वोटों की गिनती हो रही थी, उसमें ये एक बड़ा फैसला जो है जनता के द्वारा सुनाया गया है, जिसमें होशियारपुर सांसद के बेटे की जीत हुई है। सबसे पहला तो मैं जो परमात्मा का आशीर्वाद रहा, जिन्हों का बहुत कृपा रही है वाहगुरु जी की, इन्हों का मैं कई दिलों धन्यवाद करना है। मैं धन्यवाद करता साडे आम आदमी पार्टी की जो सारी समुची टीम है, साडे पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, साडे पार्टी जनरल सकत्तर डॉक्टर संदीप पाठक जी, साडे पार्टी के नवे चुनिंदे जो पंजाब प्रधान ने साडे अमन अरोड़ा जी, जो समुची पार्टी है साडी सारी जो होशियारपुर जिले की भी टीम है, उन्हों का तहे दिलों धन्यवाद करता हाँ। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल मैंबर पार्लियामेंट होशियारपुर से मेरे सत्कारयोग पिता जी, जिन्हों का हमेशा तो बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक बार फिर चब्बेवाल दे विच रिकॉर्ड तोड़ जित हुई है। मैं स्पैशली साडे पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, और मैं समझना कि साडे जनरल सैक्रटरी इंचार्ज संदीप पाठक जी, जिन्होंने ये फैसला लेना बहुत औखा सी, बहुत मुश्किल सी कि डॉक्टर राज के बेटे को टिकट दईए या ना दईए, परिवार च टिकट दईए या ना दईए। सो मैं उन्होंने धन्यवाद करदा, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी, अमन अरोड़ा जी और समुची लीडरशिप, साडे MLA साहिबान घूमन साहब, साडे इंचार्ज साडे हल्के दे रहे बैंस साहब, ते साडे प्रधान साहब पावला जी, ते मैडम करमजीत कौर जी, साडे जिमपा साहब, सारे MLA राजा जी। बरनाला में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।
है, जिसके बाद बरनाला से जीते कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया है। इनके परिवार के साथ साथ खुशी का इजहार किया गया है, समर्थकों में भी खुशी की लहर जो है वो देखने को मिली। तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं जहां पर समर्थकों में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने लड्डू बांटे हैं और इसी के साथ साथ जीत का जश्न जो है वो मनाया है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और आपको बता दें कि जीत का जश्न मनाते हुए पूरा परिवार और साथ ही साथ कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं और जो समर्थक हैं वो सभी यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा लड्डू जो है वो बांटे गए हैं और इसके साथ ही साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की यहां पर जीत हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जीत हुई है और इसके साथ ही साथ तमाम प्रत्याशियों की तरफ से यहां पर लड्डू बांटकर जीत का जो जश्न है वो मनाया गया। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो नतीजे हैं चुनाव के वो आ रहे हैं। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी लगभग आ चुके हैं और उसके साथ साथ जो उपचुनाव हुए थे राज्यों में यूपी और पंजाब और बाकी राज्यों में उनके भी नतीजे जो हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, जिसमें जिस प्रत्याशी की जीत होती है वहां पर जीत का जश्न जो है वो मनने लग जाता है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में बरमाला से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनकी जीत हुई है और जीत के अकाले जो जश्न है वो लड्डू बांटकर मनाया गया है। जेकर मैं सड़कों से भी बैठना पैदा लोगों की लड़ाई लड़ने वास्तव में सड़क जो मैं घरों सीधा इतने आया घरे काफी ज्यादा रौनक मेला लगे हुआ परमात्मा की कृपा के नाल हुण घरे चले उदू मुड़ केड़े मेरे साथी है जां साडी लीडरशिप आ उह आ रही है ते उस हिसाब नाल भी अगला प्रोग्राम की बनदा किथे मत्था टेकन जाणा किद्दां शहर जाणा उह जिहड़ा सारा टूर उह बनाउणगे। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी पंजाब के नए प्रधान बन गए हैं। सीएम भगवंत मान ने यह जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने दो करीबी साथी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और विधायक अमन शेर सिंह शेरी कलसी को सौंप दी है। पार्टी ने फैसला किया है कि अमन अरोड़ा पार्टी अध्यक्ष और इसी के साथ साथ जो दूसरे हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि शेरी कलसी वर्किंग प्रेसिडेंसी के तौर पर काम करेंगे और उन्होंने कहा कि मुझे अपने दोनों साथियों पर पूरा विश्वास है कि वे आने वाले समय में पार्टी और संगठन को पंजाब में से और मजबूत करेंगे और नई इसको लेकर जाएंगे। पंजाब में म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत चुनाव की तारीख सामने आ गई है। इसे लेकर पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य के 5 नगर निगमों के आम चुनाव और 4 नगर निगमों के उपचुनाव दिसंबर के अंत तक कराए जाएंगे। खबर अमृतसर से है जहां लूट और अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस नाकाबंदी और संदिग्धों की जांच के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी बीच अमृतसर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बटालियन के कुछ युवाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि पुलिस ने 10 विदेशी हथियारों के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक आरोपी पर पहले से ही लूटपाट के मामले दर्ज हैं। तो अमृतसर से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि अमृतसर पुलिस ने 10 पिस्तौल समेत 6 युवक जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं
और पुलिस कस्टडी में। आप जिन युवकों को खड़ा देख रहे हैं, दरअसल वो वही युवक हैं जिनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही साथ 10 पिस्तौल जो हैं वो भी अमृतसर पुलिस ने इनके हवाले से ली हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस कस्टडी में जो युवक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये सभी युवक जो हैं वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 10 पिस्तौल भी बरामद की गई है जिनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अमृतसर से ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइज क्राइम, उधर बड़ी वीडी सफलता मिली है सानू। कमिश्नर पुलिस अमृतसर ने 6 अक्यूज्ड फड़े है और 10 सोफिस्टिकेटेड वेपन फड़े गए है, जिस 3 ग्लॉक ने ऑस्ट्रियन मेड 9mm दे, ते बाकी 0.32 बोर दे बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन ने, ते 17 दे करीब कार्ट्रिजेस ने। जिहड़े मुलजम ने यह सारा जिहड़ा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन च गल पता लगी है कि क्रॉस बॉर्डर पुश हुई है कंसाइनमेंट और बटाला एरिए दे रहने वाले ने जिहड़े मेन 2 मुलजम ने जिन्हां तों मेन जिहड़ी अक्रॉस बॉर्डर कंसाइनमेंट की बरामदगी हुई है। बठिंडा जिले के गांव दोनेवाला में किसान और पुलिस में झड़प का मामला सामने आया है। बठिंडा के सरकारी सिविल अस्पताल में 11 पुलिसकर्मी अस्पताल में दाखिल उनको करवाया गया है और पुलिस मुजलिमों में महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है, उनका कहना है कि किसानों की ओर से हमला जो है वो किया गया था। तो बठिंडा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और किसानों के बीच में मुठभेड़ हो गई और बताया ये जा रहा है कि किसानों की तरफ से पहले हमला किया गया था। वहीं अस्पताल की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल अवस्था में भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि किसान और पुलिस में झड़प हो गई थी जिसमें 11 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आप तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जो मामला है वो कितना ज्यादा गंभीर है। किसानों ने किस तरीके से हाथापाई की है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और बताया ये भी जा रहा है कि किसानों की तरफ से पूरे मामले की शुरुआत की गई थी और किसानों की तरफ से ही हाथापाई का कार्य जो है वो भी किया गया था। तो तस्वीरें आपको बठिंडा से लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आपको कुछ पुलिसकर्मी मौजूद दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ घायल पुलिसकर्मी भी आपको यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि किसान और पुलिसकर्मियों में मुठभेड़ हो गई जिसमें 11 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। कल भी साड़ी बहुत 3 SP साढ़े 6-7 DSP और 700 फोर्स लगी सी जदों असी सारा बड़ा दिन पूरे दिन मेहनत करके इन्हों का लीगली पोजेशन दवाया सीगा ते अज इन्होंने किसानों ने उन्होंने बिल्कुल VKU उग्राहा यूनियन ने कहा कि असी इन वापस अपना कब्जा बहाल करांगे और इन्होंने बहुत बार कहा गया कि तुसी प्रशासन के नाल आके गलबात कर लो, जो भी तुहानू कोई वहम है तो उन्हें ऑफिशियल चैनल्स नाल असी रिजोल्व कर सकते हैं। बट उन्होंने बिल्कुल डिनाई करता और ये पूरी अपने इन्होंने कॉल वगैरह देती कि बहुत सारे बाकी जिले तो उन्होंने अपने यूनियन के मैंबर्स बुलाए और जदों साड़ी फोर्स इन्होंने उदों भी कहती रही सारे मैं DC साहब DIG सर सारे मौके पर सी, साड़ी पूरी फोर्स बाहरों भी सानू मिली सी। देखो हाल की घड़ी तो उत्थे जी लोकेशन हैगी है उत्थे सिचुएशन बिल्कुल काबू में हैगी है, उत्थे पुलिस फोर्स भी सफिशेंट हैगी है, अपने 2 ADC साहबान एक SDM साहब भी एक DIG साहब भी अपने सारे उत्थे बैठे हुए ने। इत्थे आपां हॉस्पिटल भी जिहड़े अपने 11 मुलाजम जिहड़े हैगे है वो जख्मी हुए ने, उन्हों का हाल चाल पूछना आई सी ते उन्हां दी सलाखा भी की कि उन्होंने बहुत डट के इत्थे जिहड़ा हैगा बिल्कुल सही काम किया।
जरा पुलिस का मान भी रखिया, सरकार का भी मान रखिया, तो इन्हों की सलाखा बनती भी है। तो नाल ही जरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का व्यवहार अज सो कॉल्ड यूनियन की तरफों अज जरा है वेखन मिलया है, बिल्कुल मंदभागा है कि इस तरीके के नाल जरा है कि अपने आप किसान कहान वाले जरा है कि वो आके डांगा फेरन से पत्थरबाजी इस तरीके कर बिल्कुल भी एक्सैप्टेबल नहीं है। कामलाल सर पी एच जी सर बहुत माहौल तनावपूर्ण से जी, तो असं सारे मूहरे से सर उदो किसान बड़े से मुलाजम से, एक अथरू गए साढ़े धुआं बड़ा आता जी साढ़ी अखा च पै गया सर, तो अखा भी लाल हो गई, तो उन्होंने को हथियार से साढ़े को लाठियां सी सर, उन्होंने को लाठियां सर पूरे तगड़े डंडे कसे हुए झंडे च, हाँ जी पूरी तैयारी करके, पूरी तैयारी करके अफसर भी साहबान नाल सी साढ़े ड्यूटी गए सी सानू तां उत्थे कोई पता नहीं लगा, सानू तां पता लगा भी आ चीज दे विच साडे बस गले वजे किसे दे सट वजी कि डांग वजी नहीं कह सकते, साडे अफसर ही जो कर दसन गए उन्होंने पता, सानू नहीं पता, सीधा हम ड्यूटी गए मेरे डांग जी, हाँ जी उन्होंने भी लठने साढ़े को लठने से अभी डंडा ड्यूटी करते हैं, हाँ जी उन्होंने की कनाडा सरकार ने एक बयान जारी किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर खतरे के कारण आरसीएमपी और अधिकारियों ने भारत सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि के सार्वजनिक आरोप लगाने का असाधारण कदम उठाया है। कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है और ना ही उसे इसके बारे में पता है। इसके विपरीत कोई भी सुझाव अटकलें और गलत दोनों हैं। सुल्तानपुर लोधी की नई दाना मंडी में एक युवक की तेजधार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जबकि उनके दो साथी भी गंभीर रूप से घायल हैं। सिविल अस्पताल कपूरथला में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। मृतक युवक हनी कुमार उर्फ नन्नू सुल्तानपुर लोधी से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का विंग का अध्यक्ष बताया जा रहा है, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि बीजेपी ब्लॉक प्रधान की हत्या कर दी गई है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर अब तमाम बातें जो है वो भी चलने लगी हैं। बता दें कि तेज धारदार हथियार से उस पर वार किया गया और इसके साथ ही साथ अब पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। सुल्तानपुर खाना रखने आए थे सिलेंडर, तो तीन पांच जने मुंडे ना गड्डी रैकिंग कर लग गए। मैनू पता लगा कि मैनू गड्डी कहते भी भाभी उन्होंने छोड़ो तुम रोटी रूटी रखो पापा का सिलेंडर रख दो। अभी सिलेंडर रख के गए तो यह लास्ट मैं फोन आया भाभी छेती घर चलो तुम कले नाल बेटा छोटा वा तो तुम आराम ना पहुंचो, कहता भी पिछे मैं खतरा लगन दिया वा जन उस बाद फोन चुकया नहीं नाल ही पांच जने मुंडे सारे मगर लग गए और वैसे भी आवाज बंद हो गई फोन मेनू चुकया ही नहीं मेनु टेंशन हो गई फोन क्यों नहीं चक रहा। बिंद्रा कॉलोनी में कुत्तों को लेकर
बिंद्रा कॉलोनी में कुत्तों को लेकर दो पड़ोसियों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पड़ोसी घायल हो गए। घायल पड़ोसी सिविल अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। तो लुधियाना से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुत्तों के पीछे दो पड़ोसियों में आपस में मारपीट हो गई और हालत यहां तक आ गई कि लाठी डंडे तक चल गए। आपको बता दें कि दोनों पड़ोसी जो हैं वो इस मारपीट की घटना में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना है ये कुत्तों को लेकर दरअसल हुई थी। कुत्तों को लेकर पड़ोसी जो है वो आपस में भिड़ गए और फिर मामला इतना गंभीर हो गया कि जमकर लाठी डंडे भी चले। हाँ जी बाजी, साड़ी कल ना कुत्तियां तो लड़ाई हुई सी। तुसी रहंदे कित्थे हो? हाँ जी, बिंद्रा कलोनी 5 नंबर गली। अच्छा। हाँ जी। ते की कारण की होया? कारण यही होया सी भी कुत्तियां तो लड़ाई हुई सी, ये गाला गुला कड्डन लग पिए। मैं इन्हां नूं यही कहा, मैं कहा भी तुसी जे पोछे लाए सी, जे कुत्तियां ने पैर ला ही दित्ते सानू तुसी कह दो, पर ये गंद मंद बोलन लग पिया। शाम नूं आके सनी है जेड़ा ओ कहंदा मैं इन्हां नूं इदां कर दूंगा। कारण सर ये कोई नहीं हैगा जी, कारण यही सीगा इन्हां दा जवाई करदा नशा जी, ओ चिट्टा बेचदा जी ते ओ चिट्टा पिंदा भी है। असी मेरे ना साडे गली दे विच असी इही कहा, इह साडा बूहा खुल्ला सीगा, साढ़े 11 बजे पौने 12 बजे दा टाइम सीगा जी, ते इह साडे उपर चढ़ गया जी। मेरा भरा छोटा आया, कहिंदा वी सारे अंदर सुत्ते पे, बूहा ला के बाहरला बूहा खुल्ला सीगा, वी भाई तू की करना आया? असी कहा चलो मल्लेदारी है कोई गल नहीं, इहनूं बाहर कढ़िया, इहनां ने बूहा खड़काया सी, इहनां दा कोई नहीं निकलिया बाहर, असी छड़ के चले गए। सवेरे जदों असी पुछिया वा इहनां नूं वी भाई तुसी इहनूं अपने जवाई नूं क्यों नहीं समझांदे तुसी, डेरा बाबा नानक थाने के अधीन गांव शाहपुर जाजिन में 35 वर्षीय राजविंदर सिंह की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस मामले में जानकारी देते हुए मृतक के भाई बलविंदर सिंह और बहन जगजीत कौर ने बताया कि राजविंदर सिंह अपने घर के अंदर सो रहे थे, लेकिन सुबह जब वो नहीं उठे और कमरे से बाहर नहीं आए तो राजमिस्त्री को बुलाकर ग्रिल काटकर अंदर देखा गया तो उसका शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। परिजनों को अपनी भाभी और उसके प्रेमी पर शक था और उन्होंने बताया कि उनकी भाभी पिछले 1.5 महीने से अपने पति को तलाक दिए बिना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। वहीं SHO अमरजीत मसीह ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मैं गुरचक तो कल 3 बजे इतने वीर वे घर आई हाँ, वे वीर घर आई हाँ, रात रही हाँ इतो ही। जेड़ा निका वीर है मैं राती रोटी खादी है, बड़िया सोहनिया गल्ला कीतियां, अपने घर आ गया, आके लम्मे पै गया वीर मेरा। असी सवेरे आए हैं 11 बजे अगे आ, ना उठा ना इन्हे अंदरों आवाज दिती है, असी बड़िया आवाजा मारिया अपने भरा ने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज